खान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पठान के 22वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 57 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले एक्सटेंडेड वीकेंड में 281 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 364 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में 94 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने तीसरे वीकेंड में 29 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 20वें दिन में 4 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था और अपने 21वें दिन में यानी मंगलवार के दिन में लगभग 5 करोड़ 26 लाख का नेट कलेक्शन किया। मंगलवार को 14 फरवरी था और इस दिन वैलेंटाइन डे था, इसलिए इस फिल्म ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। और इसी के साथ इस फिल्म की 21 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 480 करोड़ 1 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 497 करोड़ 93 लाख हो चुका है और टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 593 करोड़ हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 364 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 21 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 957 करोड़ हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 22वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 22वें दिन में इंडिया में लगभग 3 करोड़ 90 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आज ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ कमाने जा रही है और ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बन जाएगी जो 500 करोड़ कमा रही है और हो सकता है पठान इसी वीकेंड में बाहुबली 2 की हिंदी लाइफ टाइम नेट कलेक्शन को भी क्रॉस कर दे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।